देखिए ये हमारा फील्ड का क्लास 3 है, ठीक है। इससे पहले 1 2 हो चुका है, तो 1 में क्या बेसिक हुआ था, ठीक है, सारे डिफिनेशन बता चुके हैं। देन सेकेंड में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम हुआ था। थ्योरम क्या था कि फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, ये हमें दिखाना था, और कन्वर्सली दिखाना कि इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो वो एग्जाम में आता है, और ये भी आता है क्या कि सिंपल अगर पूछ दे कि अ फील्ड हैज नो डिवाइजर ऑफ जीरो, मीन्स क्या समझ रहे हैं आपसे कि एक फील्ड है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि हैज नो डिवाइजर ऑफ जीरो, मीन्स ये हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर। तो विदाउट जीरो डिवाइजर किस में आता है, तो इंटीग्रल डोमेन में ही आता है विदाउट जीरो डिवाइजर। मीन्स सिंपल बोल रहा है ये हमारा क्वेश्चन क्या कि अ फील्ड जो है वो हमारा इंटीग्रल डोमेन है। तो मीन्स उस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो वही थ्योरम अगर आप कर लेते हैं तो सिंपल ये थ्योरम भी आप इजिली कर सकते हैं। ओके, समझ में आया, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। एक्चुअली में देखिए फील्ड किसे बोलते हैं, फील्ड में प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो नंबर वन, फील्ड में एक्चुअली में हमें करना क्या है, तो वो हम बता रहे हैं। तो फील्ड मान लेते हैं कि एफ जो हमारा है वो फील्ड है, ठीक है, और फील्ड लिखते हैं एफ जो हमारा है वो फील्ड है। तो फील्ड क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव होगा, ठीक है। देन सेकेंड वन यूनिटी, एंड थर्ड वन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स पोजेस करता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा फील्ड कहलाता है। तो फील्ड में देखिए यहाँ पे बोला क्या कि फील्ड को ही प्रूफ करना है क्या, नो डिवाइजर ऑफ जीरो मीन्स विदाउट जीरो डिवाइजर। तो विदाउट जीरो डिवाइजर ही मीन्स क्या होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर मीन्स हुआ कि दो कोई ऐसा एलिमेंट लेंगे, दो कोई एलिमेंट लेते हैं ए और बी ले लेते हैं, ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, जीरो देगा। क्या हो सकता है कि इफ इम्प्लाइज करेगा ए इक्वल टू जीरो हो जाए या फिर बी इक्वल टू जीरो हो जाए। एक बार ए इक्वल टू जीरो दिखाना है, एक बार बी इक्वल टू जीरो दिखाना होगा। जैसे ही हमारा दिख जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर है, ठीक, समझ में आया। बस क्योंकि इंटीग्रल डोमेन हम इसलिए बोले कि इंटीग्रल डोमेन ही प्रूफ करना है। देखिए इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है कि कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, और विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो विदाउट जीरो डिवाइजर अगर हम प्रूफ कर देते हैं और कॉम्यूटेटिव और यूनिटी तो ऑलरेडी फील्ड है ही, तो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। तो बस यही हमें दिखाना है, सिंपल क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर हमें दिखाना है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए लिखिए इसका प्रूफ। लेट एफ क्या है, एफ हमारा फील्ड है, लेट एफ बी अ फील्ड, देन एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट होगा, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट एफ क्या पोजेस करेगा, पोजेस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। देन तो क्या हो जाएगा, लेट हम मान लेते हैं दो एलिमेंट ए एंड बी, किसका है, एफ का है, विथ एक बार मानते हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ए यहाँ पे जीरो नहीं है, ओके। तो देन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कंसिडर ए बी इक्वल टू जीरो, मीन्स विदाउट जीरो डिवाइजर वाला, तो ए बी इक्वल टू जीरो, तो सिंस ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एलिमेंट है किसका, एफ का, ठीक। तो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है और ए एलिमेंट है एफ का, मीन्स क्या होगा, यहाँ पे है कि ए इनवर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, एफ का होगा, एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स जो मारता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पोजेस करेगा ना सारा एलिमेंट्स, देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इनवर्स पोजेस कर रहा है, तो ए इनवर्स भी यहाँ पे पोजेस करेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि सिंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट हो गया, देन वी हैव ए बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स जब हमारा पोजेस कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स, बोथ साइड्स अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करने को फर्क नहीं पड़ता है तो ए इनवर्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए इनवर्स ए और बी,
ओके इसे एक साथ रखते हैं, देन ए इनवर्स और जीरो, ठीक। तो ए इनवर्स और ए एक साथ कर लेते हैं और इसे बी रहने देते हैं, और ए इनवर्स जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जीरो ही देगा, ठीक है ना। देन तो ए इनवर्स ए जो होता है वो क्या होता है, हमारा वन होता है, ठीक है, आइडेंटिटी बन जाता है। अगर बी इनवर्स बी भी रहा तो भी हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा, सी इनवर्स सी भी रहा तो हमारा आइडेंटिटी बन जाता है। एक हमारा हो जैसे एलिमेंट हो और उसका इनवर्स हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो तो हमारा आइडेंटिटी बनता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाइज करेगा क्या, वन मल्टीप्लाई विद बी इक्वल टू जीरो, दिस इज बी इक्वल टू जीरो। एक हम दिखा दिए बी इक्वल टू जीरो, देन इसके बाद क्या दिखाना है, ए इक्वल टू जीरो भी दिखाना है एक बार, ओके ठीक है, एक बार और। तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करना है, ये विदाउट जीरो डिवाइजर ही है, उसको दूसरे तरीके से लिखा गया है सिंपल, ठीक है। तो सिमिलरली लेट ए बी इक्वल टू जीरो विथ, इस पर क्या लेंगे, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या था कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो तो हमारा बी हो क्या जीरो, अब यहाँ पे बी डज नॉट इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे हमारा ए जीरो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे सिंस यहाँ पे बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ओके बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, मीन्स हमारा क्या होता है कि सारा एलिमेंट जो होगा फील्ड का वो क्या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था ना, तो एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सबका। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज बी इनवर्स जो है एग्जिस्ट एग्जिस्ट, ठीक है, वी हैव। तो क्या होगा देखिए, ये भी वैसा ही है सिंपल, ठीक है, इससे पहले वाला थ्योरम जैसा ही है सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू जीरो, अब बी इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी इनवर्स हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ए बी एक साथ रख देते हैं सर, इक्वल टू यहाँ पे जीरो और बी इनवर्स इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए बी बी इनवर्स दोनों एक साथ आ गया, दिस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा वन हो जाएगा, तो ए इक्वल टू जीरो हम दिखा दिए, ठीक। तो एक बार ए इक्वल टू जीरो दिखाएं, एक बार बी इक्वल टू जीरो दिखाएं, और ए बी इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, ए बी इक्वल टू जीरो हो गया। देन तो हम बोलेंगे क्या, देयरफॉर वी सी दैट, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में, देयरफॉर वी सी दैट, हम क्या देख रहे हैं, इफ ए और बी दो कोई एलिमेंट है एफ का, ठीक है, एंड ए बी इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, ए बी इक्वल टू जीरो, देन आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, हेंस हम बोल सकते हैं कि एफ, ये सिंपल लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में दिया रहता है वैसा ही हम आंसर लेते हैं, हेंस एफ हैज नो डिवाइजर ऑफ जीरो, एफ के पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, मीन्स विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो ये हमारा होता है थ्योरम प्रूफ। देखिए बहुत कम टाइम में प्रूफ हो गया, बहुत इजीली प्रूफ हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्या क्या हम किए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर समझ में आया थ्योरम तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 भी आप पढ़ सकते हैं मेरे चैनल से, ठीक है, सेमेस्टर 4 तो पढ़ना ही है, ओके, थैंक यू।